की रोपनी अभी जो प्रभावित हुआ है, अभी तक धान की रोपनी 35,97,595 हेक्टर का लक्ष्य के विरुद्ध में 17,69,000 करीबन जो है धान की रोपनी हो पाई है, यानी 49% जो है धान की रोपनी हो पाई है। और पहले भी मैंने इसको बता ही दिया था कि मक्के में थोड़ी किसानों को राहत मिली है, वो करीब 42% के आसपास, 82 के आसपास जो है हमारा हुआ है। तो धान की स्थिति तो खराब है, लेकिन आप लोगों से मैंने आग्रह किया है कि किसानों के लिए जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए, और डीजल अनुदान के लिए हम लोगों ने अखबार में भी विज्ञापन दे रखा है, और मुझे लगता है कि पूरा किसान जो है ज़रूर इसके माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जानकारी हमने दिया है कि किसान कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ से उनको क्या मिलेगा, पूरी सभी अखबारों ने हमने जो है इसमें प्रचार प्रसार के लिए किसानों के लिए दिया। और साथ साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरी योजना की जानकारी जो है प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड मुख्यालय में हम लोग जो है होर्डिंग लगा दिए हैं, बाकी जो बचे हैं उसमें भी लगाई जा रही, ताकि किसानों को किसी प्रकार लगातार मंत्री जी लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है सर, और सरकार कई दावे करती है कि हम पानी संचयन जल संचयन को लेकर काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे बिहार में, पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बड़े पैमाने पे नहर आहार पोखर की सफाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नहर आहार पोखर की हम सफाई तो करने जा रहे हैं, कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, पानी की व्यवस्था कैसे होगी? या तो ये कुदरत को तय करना है, साथ में गंगा के उस पार जाएंगे, नेपाल से न जाने कितने हजार लीटर की पानी की बर्बादी होती है। पूरी योजना केंद्र सरकार के पास लटकी हुई है, कोई एक योजना का केंद्र सरकार अप्रूवल तो नहीं दे रही है। लेकिन हमारे पास जो साधन है, उस साधन के तहत देश में हम पहला राज्य हैं जो किसानों के प्रति हम जागरूक हैं, किसानों के प्रति हम चिंतित हैं, और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या भारत सरकार पूरी तरह से बिहार से नजर करती? अगर नहीं फेरी होती तो दिल्ली में हजारों किसान थोड़ी सड़क पे मर गए होते। ये तो आप सबने देखा है, हमारे कहने से कोई सत्य और सत्य हो नहीं सकता है। आपने खुद देखा कि देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सड़क पे भीख मांगा है किसानों ने कि हमें हमारा हक दे दीजिए, लेकिन हजारों किसान सड़क पे मरे हैं। ये तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा कि भाई आप किसानों को मौत की जो है अच्छी लगती है कि किसानों को राहत अच्छा लगता है? हमारी सरकार तत्पर है, हम जितना भी हमारा, मैंने पहले भी कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जो पैसा हमको लगेगा, पहला हक जो है हमारा किसान ईश्वर स्वरूप है, उसके लिए हमारी रबी सीजन के दौरान खाद क्राइसिस क्या इस बार चीज़? देखिए अभी तो क्राइसिस नहीं है, क्योंकि हम तो वो वाले लोग हैं नहीं झूठ मूठ का हवा फैलाने वाले। इसलिए अभी कमी नहीं है कि किसानों को जब धान की बुआई नहीं हो पा रही है तो खाद की आवश्यकता कम है, लेकिन ज़रूरत अगर ईश्वर ने चाहा बारिश हो गई और जब सितंबर के आसपास अक्टूबर नवंबर में हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो खाद देने के बजाय सिर्फ टीवी में भाषण ही सुनिएगा, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमने ऐसा किया वैसा किया। फिलहाल अभी हमारे बिहार के किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी जिलों में खाद जो है हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, और अब आंकड़ा है, अब चूंकि जब आवश्यकता जब पड़ेगी फिर ये आंकड़ा हम आपको देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही देना चाहते हैं किसानों को कि केंद्र सरकार शिक्षकों का कई वर्षों से वेतन ही नहीं देती है, केंद्र सरकार शिक्षकों को अच्छे से वेतन दे दे, हमारे शिक्षक अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे तो जो किसान के बेटे हैं वो पढ़ लिख करके अफसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे,
तो मेरी जितनी योजनाएं हैं उसको जानकारी उनको मिलेगी। और जानकारी के लिए पहली बार प्रखंड मुख्यालय पे एक एक योजना की जानकारी होर्डिंग के माध्यम से लगा हुआ है। अब प्रखंड मुख्यालय के बारे में जान लीजिए, कौन लोग जाते हैं? कोई ऐसा पंचायत का गांव नहीं है जहां पे प्रखंड मुख्यालय पे वहां के लोग नहीं जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार जब प्रखंड मुख्यालय पे होर्डिंग लगी है पूरी योजनाओं का, तो किसान के बेटे तो पढ़ेंगे ही, और जब पढ़ेंगे तो योजना की जानकारी मिलेगी, और मिल रही है लोगों को। आपको नहीं लगता है कि किसानों को भी शिक्षित करना जरूरी है आज के देश में? मैंने तो कहा आपको, बच्चे तो होंगे ही, मैं तो कह रहा हूँ ना कि शिक्षक का वेतन ही नहीं देती है सरकार को, देना है देती नहीं, देता तो हम और अच्छे से पढ़ा लेते। और किसानों को पढ़ाने ही के लिए तो अभी बहाली तो की नहीं है। शुरू करें? हाँ शुरू। सभी पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद। चूंकि सभी लोगों को पता है कि पूरी देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से काफ़ी परेशान है, हम बिहार भी उसके एक हिस्सा हैं, और बारिश की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, किसान जो है धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तक चूंकि सामान्य रूप से बारिश होनी चाहिए थी 442.3 mm, नहीं हो पाया है अभी तक, 242 mm जो है वर्षा हो पाई है, मतलब कि 45% कम वर्षा हुई है। इसमें 9-10 जिले ऐसे हैं जहां पे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यह गंभीर समस्या को देखते हुए जो धान की रोपनी अभी तक हुई है करीबन 49.19% ही हो पाई है, मक्के में जो है थोड़ी किसानों को राहत मिली है, वो 82.41% जो है मक्के का आच्छादन का जो है प्रतिशत ये है, मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन आपके माध्यम से बिहार के किसानों को मैं ज़रूर ये संतुष्ट करना चाहता हूँ कि आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल हमने किसानों को राहत देने के लिए करीबन 100 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान की व्यवस्था किया है। अभी तक पूरे बिहार से लमसम आज तक के अभी तक में 13,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। बिहार के सभी जिलाधिकारीगण को ये सूचना प्राप्त हो गई है कि डीजल अनुदान के जो आवेदन लोग करेंगे, इसमें जितना जल्द से जल्द है किसानों को आवेदन कराई जाए, और मैं कृषि मंत्री होने के नाते तत्काल मैं कई जिला जाऊंगा जहां पे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। सभी अधिकारियों को, अपने विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि डीजल अनुदान में अगर कोई किसान अप्लाई करने में थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, अविलंब उसको संशोधन करिए और उनको कोई परेशानी नहीं हो, सुविधा दीजिए ताकि वह जो है डीजल अनुदान ले सके। साथ साथ माननीय उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दी गई है कि किसानों को पटवन हेतु 12 घंटे जो है बिजली आपूर्ति गाँव में हम करेंगे, और इसके लिए हमने जो है गया में एक बैठक भी किया था बिजली विभाग के साथ, लघु जल संसाधन, जिलाधिकारी, कई विभाग थे। इसी पैटर्न पे अन्य जिलों में बैठक होगी, और लगातार जो है कौन सी नहर में पानी है नहीं है सारी चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। किसानों के लिए हम लोग तत्पर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के तरफ से भी सहयोग होगा और आप लोग भी किसानों के प्रति अच्छे विचार रखेंगे। और मुझे पूरे भरोसे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के लिए बिहार की पूरी खजाने खुली पड़ी है। किसानों की सुविधा के लिए चाहे जिस प्रकार का जो है सुविधा किसानों को चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर धान की बुआई नहीं हो पाती है, उसके लिए भी हम लोगों ने
करीबन 50 करोड़ रुपया अलग से रखा है। उस 50 करोड़ रुपये में उसमें जो है अगर धान के बिछड़ा नहीं लोग लगा पाते हैं, धान की रोपनी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम लोग अलग से कई प्रकार के बीज जो हैं किसानों को मुहैया कराएंगे। उसमें भी हमने कैबिनेट से अप्रूवल ले रखा है 50 करोड़ का। बाई चांस अगर बारिश नहीं हो पाती है, उसके बाद किसान का अगर बहुत सारे खेत खाली रहते हैं, उसके विकल्प में क्या क्या चाहिए, पूरे बिहार के कई जिलों से हम लोगों ने सर्वे करा करके मंगा लिया है किस किस चीज़ की बीज की ज़रूरत होगी, वो भी हम देने के लिए रेडी टू मूव में हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यही हमारा हालात ऐसे नहीं है कि बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। ये हम लोगों के पूरे नज़र हम लोग लगाए हुए हैं। पहला हमारा है कि डीजल अनुदान, बिजली, ये सब की व्यवस्था करा दें, और उसके अनुसार अगर किसानों को उससे राहत मिलती है तो ठीक है, लेकिन प्राकृतिक पे किसकी पकड़ है? अभी समय है, हम लोग देख रहे हैं। पिछले वर्ष भी आपको याद होगा हम लोगों ने सुखाड़ पे जब स्थिति उत्पन्न हुई थी, हमने 600 करोड़ रुपया किसानों को अनुदान दिया था, और अगर इस बार वो हालात उत्पन्न होती है तो 600 करोड़ क्या, अगर बिहार सरकार के पूरे पैसे किसानों को देना पड़ेगा तो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, डेडलाइन तय नहीं होता है, अभी तो हम सुविधा दे रहे हैं। अब जो है जलवायु के विभागों ने ये कहा है कि अगले महीने बारिश की संभावना बनती है, तो हम तो इंतजार तो करना पड़ेगा, देखते हैं उनका जो जलवायु विभाग का, मौसम विभाग का क्या आता है, और ईश्वर से हम और आप सब मिल करके प्रार्थना करें कि किसानों के लिए, चूंकि हम लोग किसानों को ईश्वर स्वरूप मानते हैं, और किसानों के लिए जो जरूरत होगा हम करने के लिए तैयार बैठे। बिजली के लिए कुछ राहत मिलने वाली है किसानों को? कुछ बिल्कुल, हम तो 75 पैसे पर यूनिट किसानों को दे रहे हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ केंद्र सरकार सबसे महंगा बिजली देती है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे इतनी महंगी केंद्र सरकार बिजली देती हो, उसके बावजूद भी हम किसानों के लिए 75 पैसे पर यूनिट की व्यवस्था कर रखा। पूरे देश के कोई अन्य स्टेट का जो है आप हमारे से तुलना करा लीजिए कि किसानों को पूरे देश में इतनी सस्ती अगर कोई बिजली मुहैया कराता हो तो बताएं।